हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यू आई कांट अपलोड वीडियोस। सो टुडे वी आर कंटिन्यू आवर स्ट्रक्चरल जियोलॉजिकल सीरीज। टुडेज टॉपिक इज ग्रैनुलेशन क्लीवेज। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहे। सो हमने क्लीवेज का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें ग्रैनुलेशन क्लीवेज बाकी था, राइट? सो वैन एन अर्लियर क्लीवेज इज माइक्रोफोल्डेड एंड अ न्यू क्लीवेज में डेवलप सब पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन। जब अर्लियर क्लीवेज माइक्रो क्लीवेज माइक्रोफोल्डेड क्लीवेज हो के और उसके बाद जो न्यू क्लीवेज फॉर्म होती है सब पैरेलल टू द एक्सियल सर्फेस, तो उसको हम कहेंगे ग्रैनुलेशन क्लीवेज। ग्रैनुलेशन एक्सिस एंड फोल्ड एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। अभी इसमें क्या होता है, जो ग्रैनुलेशन एक्सिस है वो फोल्ड एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट? तो इसी वजह से हम इसे ग्रैनुलेशन क्लीवेज कह देते हैं। इट जनरली फॉर्म इन फाइलोसिलिकेट रिच रॉक, तो उसमें हमें फाइलोसिलिकेट रिच रॉक मिलेंगे। दे आर टू टाइप ऑफ ग्रैनुलेशन क्लीवेज, डिस्क्रीट एंड जोनल। सो हमें कहे कि ग्रैनुलेशन क्लीवेज के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमें दो टाइप्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट एंड सेकेंड वॉज जोनल। डिस्क्रीट ग्रैनुलेशन क्लीवेज आर थिन एंड शार्पली डिफाइंड डिसकन्टिन्यूस। सो जो डिस्क्रीट ग्रैनुलेशन क्लीवेज होगी वो एकदम पतली सी होगी, थिन और शार्प होगी, डिफाइन एज डिसकन्टिन्यूटीज, जिसमें हमें डिसकन्टिन्यूटीज दिखने को मिलेगी, मतलब उसमें जो मिनरल्स है उसमें हमें डिसकन्टिन्यूटीज देखने को मिलेगी। इट्स आइदर प्लेनर और एनेस्ट्रोमोसिंग विच ट्रांसक्रेट द प्री एग्जिस्टिंग क्लीवेज। तो ये तो या तो ये प्लेनर होगी या तो एनेस्ट्रोमोसिंग मीन्स इंक्लाइन टाइप, राइट? विच ट्रांक्लूड द ट्रंकलेट द प्री एग्जिस्टिंग क्लीवेज। जोनल क्लीवेज आर लेमिनर डोमेन थ्रू विच द अर्लियर फैब्रिक इज कंटिन्यूस। और जो जोनल क्लीवेज होती है सेकेंड टाइप की वो लेमिनर होती है, लेमिना टाइप एंड लाइक अ डोमेन शेप विच द अर्लियर फैब्रिक इज कंटिन्यूस। और इसमें क्या होगा, जो फैब्रिक होगा वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन जो डिस्क्रीट थे उसमें कंटिन्यूस नहीं था। वैन ग्रैनुलेशन क्लीवेज बेटर डेवलप देन द विड्थ ऑफ द क्लीवेज डोमेन इंक्रीजिंग। वैन ग्रैनुलेशन क्लीवेज बेटर डेवलप, जब ग्रैनुलेशन क्लीवेज ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो उसका जो क्लीवेज डोमेन है वो इंक्रीज होने लगता है एट द एक्सपेंस ऑफ विड्थ ऑफ माइक्रोलिथन। और वो इतना एक्सपेंस हो जाता है कि उसकी विड्थ है वो माइक्रोलिथन की तरह दिखने लगती है। ग्रैनुलेशन क्लीवेज आर अप्रोक्सीमेटली एक्सियल प्लेन टू मीसोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फोल्ड। ग्रैनुलेशन क्लीवेज है आर अप्रोक्सीमेटली एक्सियल प्लेन, वो एक्सियल प्लेन है टू द मीसोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फोल्ड। अभी ये मीसोस्कोपिक क्या है, मैक्रोस्कोपिक फोल्ड क्या है, ये सारे टर्म्स मैंने पहले दिए हुए हैं, समझाए हुए हैं। विच डेवलप ऑन अ अर्लियर क्लीवेज एंड आर यूजफुल इन ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। सो एक्सियल प्लेन एंड मीसोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फोल्ड एक्सिस डेवलप ऑन अ अर्लियर क्लीवेज एंड आर यूजफुल इन ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, इसीलिए उसको ज्योमेट्रिकल एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। द मेकेनिज्म ऑफ ग्रैनुलेशन क्लीवेज फॉर्मेशन इन्वॉल्व बकलिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग क्लीवेज। अभी जो मेकेनिज्म है ग्रैनुलेशन क्लीवेज का, जैसे वो फॉर्म होती है, वो इन्वॉल्व करती है बकलिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग क्लीवेज। तो जब भी कभी ग्रैनुलेशन क्लीवेज बनेगी तो उसमें क्या होगा, बकलिंग होगी प्री एग्जिस्टिंग क्लीवेज की, बकल फोल्ड जैसे कि बताते हैं ना हम, बैंड होते हैं वैसे। सो दे आर टाइप्स ऑफ ग्रैनुलेशन क्लीवेज। फर्स्ट इज डिस्क्रीट, जिसमें डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। और जो सेकेंड है जोनल, वो कंटिन्यूस है, देखिए कंटिन्यूस लाइंस जा रही है ना, दैट्स वाई इट्स अ कंटिन्यूस क्लीवेज। सो सेकेंड टॉपिक इज एक्सटेंशन ग्रैनुलेशन क्लीवेज। ग्रैनुलेशन क्लीवेज में डेवलप बाय एन एक्सटेंशन पैरेलल टू द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। सो जो ग्रैनुलेशन क्लीवेज है उसमें जब एक्सटेंशन होता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग क्लीवेज के पैरेलल डेवलप होती है। द क्लीवेज में अक्कर इन सिंगल और कंजक्टेड सेट, तो वो सिंगल भी डेवलप हो सकती है या फिर कॉन्जुगेटेड सेट्स के साथ। दिस टाइप क्लीवेज इज नॉन एन एक्सटेंशन ग्रैनुलेशन क्लीवेज, और इसी वजह से इसे एक्सटेंशन ग्रैनुलेशन क्लीवेज भी कहते हैं। द ग्रैनुलेशन एसोसिएटेड विद दिस क्लीवेज
एंड दे आर ऑलवेज वेरी ओपन माइक्रोफोल्ड। तो जो ग्रेन्यूलेशन क्लीवेज है वो एक्सटेंशन ग्रेन्यूलेशन क्लीवेज के साथ एसोसिएटेड है, विच ऑलवेज वेरी ओपन माइक्रोफोल्डेड विथ वन सेट ऑफ लिम्स एंड विच आर मच थीनर देन द अदर। द न्यू क्लीवेज फॉर्म इन डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स अलॉन्ग द थीनर लिम्ब। और फिर जो न्यू लिम्ब न्यू क्लीवेज फॉर्म होती है वो डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स होते हैं उसमें अलॉन्ग द थीनर लिम्ब्स ऑफ माइक्रोफोल्ड। दे आर वीकली डेवलप स्ट्रक्चर विच डू नॉट इम्पार्ट फैसिलिटी टू द रॉक। दे आर अ वीकली डेवलप, तो वो उसमें क्या होता है, वीकली डेवलप स्ट्रक्चर्स होते हैं विच डू नॉट इम्पैक्ट फैसिलिटी टू द रॉक, जो रॉक की फैसिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्लीवेज इज डिसजंक्टिव क्लीवेज। सो जिस डिसजंक्टिव क्लीवेज में क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ स्पेस क्लीवेज, देर इज नो रीओरिएंटेशन ऑफ सेडिमेंट्री लेयरिंग और अर्लियर फैब्रिक इन द माइक्रोलिथॉन। तो इसमें स्पेस देखने को मिलेगी हमें, ये स्पेस क्लीवेज है जिसमें हमें कोई भी तरह का ओरिएंटेशन नहीं देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री लेयर का। सो कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा मिनरल का या लेयर का, या तो फिर अर्लीस्ट फैब्रिक इन द माइक्रोलिथॉन, तो उसमें जो पहले का फैब्रिक है वो माइक्रोलिथॉन का होगा। दिस क्लीवेज शो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। अभी ये जो क्लीवेज है इसमें हमें वैरायटी ऑफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे और वैरायटी ऑफ टाइप्स देखने को मिलेंगे। एंड दे आर क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑन स्पेसिंग, प्लेनरेटरी कंटिन्यूटी एंड थिकनेस ऑफ क्लीवेज डोमेन। द क्लीवेज डोमेन मे बी प्लेनर, सूचर्ड, वेवी और एनेस्ट्रोमेसिंग। सो क्लीवेज डोमेन के अलग अलग शेप होंगे, या तो वो प्लेनर होगा, सूचर्ड होगा, वेवी होगा या फिर एनेस्ट्रोमेसिंग। दिस क्लीवेज, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, प्लेनर, सूचर, वेवी एंड एनेस्ट्रोमेसिंग। सो देयर क्लीवेज, दिस क्लीवेज आर सब पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन एंड एसोसिएटेड फोल्ड। ये जो क्लीवेजेस है वो सब पैरेलल होगी टू द एक्सियल प्लेन ऑफ द एसोसिएटेड फोल्ड। मेजोरिटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लीवेज फॉर्म बाय प्रेशर सॉल्यूशन। और जो मेजोरिटी ऑफ डिसजंक्टिव क्लीवेज होती है वो सारी फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर सॉल्यूशन। दे ऑफसेट ऑफ शो बेडिंग अलोंग द क्लीवेज डोमेन। उनके ऑफसेट है वो हमें क्या दिखाते हैं, बेडिंग दिखाते हैं अलोंग द क्लीवेज डोमेन। ऑफसेट ऑफ डिसजंक्टिव क्लीवेज प्रोड्यूस इन थ्री थियोरिटिकल मॉडल। अब जब भी हमें डिसजंक्टिव क्लीवेज को समझना होता है तो उसके थ्री थियोरिटिकल मॉडल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट मॉडल है शियरिंग अलोंग द क्लीवेज डोमेन। सो जिस डिसजंक्टिव क्लीवेज में क्या होगा, शियरिंग होगी अलोंग द क्लीवेज डोमेन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ मटीरियल एकम्पनाइड बाय सॉर्टिंग अक्रॉस द क्लीवेज डोमेन। तो इसमें क्या होगा, मटीरियल का रिमूविंग होगा बाय सॉर्टिंग, जैसे सेडिमेंट्स का सॉर्टिंग होता है वैसे सॉर्टिंग के थ्रू मटीरियल रिमूव होगा अक्रॉस द क्लीवेज डोमेन। थर्ड वॉज एडिशन ऑफ मटीरियल एंड कंसिक्वेंटली एक्सटेंशन अक्रॉस द डोमेन। मटीरियल रिमूव किया सेकेंड वाले में, उसके बाद थर्ड में मटीरियल का एडिशन होगा एंड कंसिक्वेंटली एक्सटेंशन होगा अक्रॉस द क्लीवेज डोमेन। इन द केसेस ऑफ शियरिंग द ऑफसेट ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेड मार्क्स विल हैव सेम सेंस। तो जब शियरिंग होती है तो उसके जो ऑफसेट होते हैं वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होंगे एंड मार्क्स विल हैव सेम सेंस। इन अदर टू केसेस द मैग्नीट्यूड एंड द सेंस ऑफ ऑफसेट विल डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। लेकिन जो अदर टू केस है सेकेंड एंड थर्ड, उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा ऑन सेंस ऑफ ऑफसेट विल डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मार्कर्स एंड द सेंस ऑफ ऑफसेट डिफरेंट इन सेकेंड एंड थर्ड केस। सी एक्सटेंशन ग्रेन्यूलेशन ऑन क्लीवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लिनिएशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।